वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है आपके इंपीरियल नितिन ठाकुर। और आज हम लोग सीखेंगे कि फ़ोन पे एप्लीकेशन से तेज़ UPI ID पैसा कैसे भेजेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपना तेज़ ID, जिसमें आपको ऊपर की ओर लिखा मिलता है आपका नाम, उस पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन मेरे फ़ोन में जैसे दिख रहा है वैसे दिखेगा। देखिए, मैं क्लिक करके आपको दिखलाता हूँ। जैसे मेरा फ़ोन है, ऊपर में क्लिक किया और यहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद आपको अपनी ID कॉपी कर लेनी है, जहाँ पर मैंने फिर कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद जहाँ पर आपको एरो का निशान दिख रहा है, उसके बाद आगे आपको जाना, अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन खोलना है, उसके बाद टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जस्ट बीच वाली ऑप्शन आपको दिखेगी, भीम UPI ID, उस पर क्लिक कर देना है। और ऊपर में सर्च बॉक्स में अभी अभी जो कॉपी किया था आपने, उसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा सर्च करेगा, करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगी। और उस पर आपको जो अभी नाम आया निकल, उस पर क्लिक कर देनी है। आपको जितने भी पेमेंट करना है उस पेमेंट को यहाँ पर डाल देंगे, और निक नेम में आपकी जो इच्छा वो पुट कर देंगे। आप पुट करने के बाद आपको अपना सिलेक्ट करना है मेथड, किस मेथड से करेंगे। उसके बाद सेंड पर क्लिक कर देनी है। जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड आपको डाल देनी है। पासवर्ड डालने के बाद वो पैसा चला जाएगा। मेरी ये पैसा तो नहीं जाएगी इस कारण, क्योंकि मैं अभी पैसा अपने ही ID से भीम ID से दूसरे भीम ID पर पैसा पेमेंट कर रहा हूँ। इस कारण से मेरी पैसा तो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जानी चाहिए, बट शायद हो भी जाए और कुछ देर में हो जाएगी। आप देख सकते हैं फेल्ड हो गई दोस्तों। तो आप इस तरह से जिसे चाहें पेमेंट करेंगे और आपका पेमेंट चला जाएगा। तो ये मेरा वीडियो था जिसमें कि हम लोग सीखे आज कि फ़ोन पे से तेज एप्लीकेशन पैसा कैसे भेजेंगे। आपके पास फ़ोन पे एप्लीकेशन नहीं है तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।